स्टूडेंट्स, आज हम अब सेकेंड एक्सरसाइज करेंगे, एक्सरसाइज 5.2 ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ये मेरा सेकेंड लेक्चर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। हम इसमें एक्सरसाइज 5.2 लेंगे। रूल के हिसाब से वही बात है कि एक एक्सरसाइज में ईच एंड एवरी सम अगर करने जाएं तो पता चला 2 घंटे की वीडियो बन जाएगी। तो मुझे यहाँ पर सारे सम्स करा के वीडियो आपको नहीं दिखानी है। मैं क्या कर रहा हूँ, हर एक्सरसाइज में, चाहे एल्जेब्रा हो या ज्योमेट्री, जितने भी मुझे टाइप्स ऑफ सम नज़र आते हैं कि ये एक टाइप है, तो उस टाइप का एक सम मैं अटेम्प्ट करूँगा। आपका काम है रेस्ट ऑफ द सम को ट्राई करना, सिर्फ ट्राई करना, नोट नहीं करना कि आप कहीं से सॉल्यूशन से नोट करें, सिर्फ ट्राई करना। या तो वो आएगा आपको या नहीं आएगा। नहीं आएगा तो आपको मुझसे कॉन्टैक्ट करना है, तो वो समझ में आपको साइड बाई साइड कराता रहूँगा। लेकिन जो वीडियो लेक्चर है, उस वीडियो लेक्चर में हम टाइप्स ऑफ सम लेंगे। अब इस एक्सरसाइज 5.2 में जो टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 115 पर है, एक क्वेश्चन नंबर 1, 2, 1 जैसा है, तो मैं 2 का एक फर्स्ट पार्ट ले लेता हूँ। फिर क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 5 एक जैसे हैं, तो मैं उसमें से क्वेश्चन नंबर 5 या 3 में से एक ले लेता हूँ। 5 ले लेंगे तो बेटर है। फिर एक मिड पॉइंट है इसके अंदर, और फिर एक सेंट्रॉइड टॉपिक है, और फिर टेक्स्ट बुक में आप पीछे देखेंगे तो ट्राइसेक्शन ऑफ 4 डिवाइड इन 4 पार्ट्स, 4 कॉन्ग्रेंट पार्ट्स और 5 कॉन्ग्रेंट पार्ट्स वाले हैं क्वेश्चन हैं। तो कुल मिला के इसमें भी मैक्स टू मैक्स मुझे लगता है 5 क्वेश्चन हम करेंगे। ओके, चलिए लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ए। अब देखिए, ये एक ए है या एक पी है और एक क्यू है, और इस पी क्यू के मुझे x1, y1, x2, y2 गिवन है। इन दोनों के बीच में कहीं पर ए है, कहाँ है एग्जैक्टली हमें नहीं पता है, बट बीच में है। ओके, तो आपको बताना है कि इस ए के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे एक्स वाई, ठीक है। अब आप देख रहे हैं कि ये ए जो है पी क्यू को डिवाइड कर रहा है इन टू पार्ट्स, तो उसका रेशियो आपको गिवन है ए रेशियो बी 2:3, ठीक है। नॉर्मली यहाँ पर ए बी है, लेकिन जो सेक्शन फॉर्मूलेज हम पढ़ते आ रहे हैं, स्टार्टिंग से पढ़ाते आ रहे हैं सालों से, उसके अंदर MN का यूज़ करता था, और वहाँ केसेस भी होता था इंटरनली एक्सटर्नली, बट आपके कोर्स में अभी इंटरनली एक्सटर्नली मेंशन नहीं है, फिलहाल मेंशन नहीं है, सिर्फ लिखा हुआ है कि वो उसे सेगमेंट पी क्यू को डिवाइड करता है इन द रेशियो ए बी। तो अगर मैं क्वेश्चन में ए बी की जगह MN भी यूज़ कर लूँ तो समझ जाना है कि ए बी और MN का क्या मतलब है। चलिए सम लेते हैं। व्हाट इज़ माय पी, पी गिवन है -3 और 7, ओके, और क्यू गिवन है मुझे 1 और -4, यानी क्या गिवन है x1 y1 x2 y2, और रेशियो कितना गिवन है ए बी 2:1 है, 2:3 नहीं, 2:1 था ये फर्स्ट क्वेश्चन के लिए। तो उसे मैं MN भी लिख सकता हूँ और AB भी लिख सकता हूँ। मैं MN लिख रहा हूँ, MN है मेरा 2:1। व्हाट इज माय क्वेश्चन, पॉइंट P कोऑर्डिनेट्स x1 y1 गिवन -3, 7, पॉइंट Q कोऑर्डिनेट x2 y2 गिवन 1 -4, एंड रेशियो MN 2:1, और मुझे क्या निकालना है, A के कोऑर्डिनेट जो पी क्यू को डिवाइड करता है इन द रेशियो 2:1। तो सीधा सा उसका एक फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला क्या होता है, x=mx2+nx1/m+n। MN की जगह आप ए बी भी लिख सकते हैं, ax2+bx a+b चलेगा, एंड y का होता है my2+ny1/m+n। कितना सिंपल है, सब गिवन है आपको, x1 y1 गिवन है, x2 y2 गिवन है आपको, ठीक है ना। आपको सिर्फ इस फॉर्मूले में उसे पुट करना है और आंसर निकालना है। ओके, व्हाट इज़ माय m2, व्हाट इज़ माय x2 1, व्हाट इज़ माय n 1, व्हाट इज़ माय x1 -3, व्हाट इज़ माय MN 2:1, कॉमा, साथ साथ भी लिख सकते हैं, दोनों को ऐसे सेपरेट भी कर सकते हैं।
What is my M? Again. 2. What is my Y2? Y2 is minus 4. Plus N, 1. What is my Y1? 7 upon 2 plus 1. 2 ones are 2 plus plus or minus minus 3 upon 3. 4 twos are 8 minus 8 plus 7 ones are 7 upon 3. Got it? 2 minus 3 minus 1 upon 3. Okay? And minus 8 plus 7 upon 3 again minus 1 upon 3. So this is your final answer. Ye ek answer aa gaya. X or Y minus 1 by 3 comma minus 1 by 3. That's all. Now, अब हम क्वेश्चन नंबर 5 ले रहे हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन हमने लिया है सेक्शन फॉर्मूले का. सेक्शन फॉर्मूला तो बाकी ऑलमोस्ट सारे सम में अप्लाई होगा, बट एक डिफरेंट टाइप का सम आ रहा है, फाइंड द रेशियो. इसमें थर्ड और फिफ्थ सम एक जैसे हैं, तो मैं फिफ्थ ले रहा हूँ क्योंकि वो थोड़ा बड़ा सम है, के भी फाइंड करना है. ओके, फाइंड द रेशियो इन विच द पॉइंट पी, पी आपको गिवन है, के और 7. ओके, डिवाइड द सेगमेंट ऑफ द लाइन जॉइनिंग ए. ए गिवन है आपको, मतलब ये ए बी, वैसे डायग्राम करके बना दो. तो ये एक्स वन वाई वन गिवन है, एक्स टू वाई टू गिवन है. कितना एक्स वन वाई वन ए का? 8 और 9. ये एक्स वन वाई वन गिवन है. और बी का कितना है? 1 2. फाइंड के, मतलब आपको रेशियो भी बताना मिसिंग है. तो रेशियो तो आपको नहीं पता है, तो रेशियो तो फाइंड करना ही करना है. प्लस आपको के भी निकालना है इस क्वेश्चन में, रेशियो भी फाइंड करना है और के भी निकालना है. तो पहले हम स्टेटमेंट बनाएंगे और उसके हिसाब से फिर रेशियो या के हमारा आ जाएगा. ठीक है ना? नाउ व्हाट इज द फॉर्मूला? अब फॉर्मूला एक्स के लिए भी होता है और वाई के लिए भी होता है. ठीक है ना? तो हम एक के लिए करेंगे पहले. ओके, तो ये रहा मेरा फॉर्मूला, y इज इक्वल्स टू एम वाई टू प्लस एन वाई वन अपॉन एम प्लस एन. ओके, अब आपका क्वेश्चन ये है कि सर y क्यों लिया आपने? तो एक्चुअली क्या है, मुझे रेशियो बताना है, एम एन मिसिंग है, एम एन मुझे नहीं पता है. ओके, y मुझे पता है 7 और एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू भी पता है. तो मैं इसकी वैल्यू पुट कर दूंगा, y की जगह पर 7, m फाइंड करना है. वाई टू कितना है मेरा? 2 प्लस मेरा n कितना है? n नहीं पता है, n मिसिंग है, n इंटू वाई वन कितना है? 9 अपॉन m प्लस n. ओके, तो क्या हो जाएगा, सॉल्व करें. क्रॉस मल्टीप्लाई, 7 एम प्लस एन, 2 एम प्लस 9 एन. 7 एम प्लस 7 एन इज इक्वल्स टू 2 एम प्लस 9 एन. ओके, 7 एम, एम वाले को एम के पास लाओ तो माइनस 2 एम, और एन वाले को एन के पास लेके जाओ माइनस 7 एन. तो ये आया मेरा 5 एम इज इक्वल्स टू 2n. तो m अपॉन n हो जाएगा 2 अपॉन 5. तो मेरा m रेशियो n, यानी क्वेश्चन था ना फाइंड द रेशियो, तो रेशियो आ गया 2 5. कोई प्रॉब्लम? क्लियर? मुझे एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू गिवन है, एम एन गिवन नहीं है, मुझे एम एन ही फाइंड करना है. ये k मिसिंग है जो फाइंड करना है, लेकिन 7 मिसिंग नहीं है, 7 गिवन है. तो मैंने क्या किया, y के फॉर्मूले की हेल्प से 7 पुट किया y की जगह, और y1 y2 पुट करके मैंने mn फाइंड कर लिया. ओके, अब मुझे k फाइंड करना है. ये तो k फाइंड करना है, तो फिर k का फॉर्मूला क्या, कहाँ से निकलेगा? x से. y x से. x से क्यों निकलेगा? क्योंकि k x की प्लेस पर है. तो x इक्वल्स टू होता है m x2 प्लस n
एक्स वन अपॉन एम प्लस एन, जो पीछे किया था ये जो यहाँ क्या था कर दीजिए, ओके। इन प्लेस ऑफ एक्स कौन है, के, फाइंड करना है। एम क्या आया, टू, एक्स टू कितना है, एक्स टू वन, एन कितना आया, फाइव, एन फाइव आया है, एक्स वन कितना है, एट अपॉन टू प्लस फाइव, सॉल्व इट। क्या आएगा ये, अब k इज इक्वल्स टू टू वन ज़ा टू प्लस फाइव एट ज़ा फोर्टी, फाइव एट ज़ा फोर्टी, और टू और फाइव सेवन, तो फोर्टी और टू फोर्टी टू, फोर्टी टू अपॉन सेवन, सेवन वन ज़ा सेवन, सेवन सिक्स ज़ा फोर्टी टू, k इज इक्वल टू सिक्स, दिस इज़ योर आंसर, ओके। अब हमारा क्वेश्चन एक है मिड पॉइंट का, तो मिड पॉइंट का क्वेश्चन नंबर सिक्स ले लेते हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट, अब जॉइनिंग द पॉइंट वहाँ कोई पॉइंट का नेम नहीं है, तो नेम आप अपनी मर्जी से लो, ए 22, 20, और एक कंसिडर कर लो आप बी, ठीक है, दैट इज 0 and 16। क्या गिवन है, एक्स वन वाई वन एंड एक्स टू वाई टू, ये गिवन है आपको। फाइंड क्या करना है, मिड पॉइंट, अगर थोड़ा डायग्राम बनाता तो वही ए बी एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू गिवन है, आपको मिड पॉइंट बताना है, उसका भी नाम गिवन नहीं है, आप उसे पी बोल दीजिए, ये मिड पॉइंट आपको फाइंड करना है, ओके। तो ये पी एक्स वाई आपको निकालना है, और एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू आपको गिवन है, सिंपल। तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ मिड पॉइंट, मिड पॉइंट का फॉर्मूला होता है x इक्वल्स टू एक्स वन प्लस एक्स टू अपॉन टू, ओके, एक्स मैं साथ के साथ करता हूँ, और y का होता है y इज इक्वल्स टू वाई वन प्लस वाई टू अपॉन टू। मुश्किल है, व्हाट इज माय x1, 22, व्हाट इज माय x2, 0 अपॉन टू, What is my y1? 20. What is my y2? 16 upon 2. तो क्या आया, 22 upon 2 and 36 upon 2. Cancel, 11. 2 ones are. 2 1 2 18 are. तो final midpoint का answer x y का आया 11 and 18. That's all. Now, हम एक सम और ले रहे हैं जो हमारा सीक्वेंस में क्वेश्चन नंबर फोर है और एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर सेवन है, जिसमें सेंट्रॉइड का कॉन्सेप्ट आता है। सेंट्रॉइड में तीन आपको कोऑर्डिनेट्स गिवन है, ए बी सी, वहाँ मेंशन नहीं है, वहाँ तो सिर्फ कोऑर्डिनेट मेंशन है, नेम आप मेंशन कर सकते हैं, ए बी सी पी क्यू आर योर चॉइस। ए बी सी, तो एक है एक्स वन वाई वन, एक है एक्स टू वाई टू, और एक है एक्स थ्री वाई थ्री। अब क्वेश्चन है सेंट्रॉइड का फॉर्मूला क्या होता है, तो सेंट्रॉइड में एक्स इक्वल्स टू होता है एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री अपॉन थ्री, ओके, और वाई में होता है वाई वन प्लस वाई टू प्लस वाई थ्री अपॉन थ्री, एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री अपॉन थ्री, और y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। तो ये आपका फॉर्मूला है, मेंशन है, फॉर्मूला लिस्ट आपको मैंने दी है पहले ही, ठीक है ना, उसको लर्न कीजिए उसका, और जिसके पास नहीं है वो मुझे बता सकता है, ओके। नाउ अब क्या रहा, कुछ भी नहीं, x फाइंड करना है, x1 गिवन है, हाउ मच x1, माइनस सेवन, x2 कितना है, प्लस टू, x3 कितना है, प्लस एट अपॉन थ्री, इसे सॉल्व कर दीजिए, और वाई का आंसर क्या आएगा, वाई वन सिक्स, वाई टू माइनस टू, वाई थ्री फाइव अपॉन थ्री, कितना है ये, एक्स इक्वल्स टू एट में से सेवन गया वन, वन और टू थ्री अपॉन थ्री, तो एक्स का आंसर आएगा वन, और सिक्स में से टू गया फोर, फोर और फाइव नाइन अपॉन थ्री, इसका आंसर है ना थ्री। तो फाइनल आपका
एक्स वाई जो सेंट्रोइड का आंसर आया है वो 1.3। दिस इज योर फाइनल आंसर। गॉट इट? नाउ लास्ट सम हम ले रहे हैं, जो फिफ्थ सम मैं ले रहा हूँ, जो क्वेश्चन नंबर 10 है, ये ट्राइसेक्शन वाला क्वेश्चन है। ओके, ट्राइसेक्शन मतलब, ट्राइसेक्शन मतलब होता है थ्री इक्वल पार्ट, वन पार्ट, टू पार्ट, थ्री पार्ट। उसका नेक्स्ट सम है फोर पार्ट वाला, फाइव पार्ट वाला, सिमिलर होगा। अभी मैं ट्राइसेक्शन ले रहा हूँ, आगे हम अपने रिवीजन में 4 और 5 भी लेंगे, या आपके डाउट होगी तो आप मुझे बताएंगे। नाउ ट्राइसेक्शन मतलब थ्री पार्ट में डिवाइडेड है। ए पी मतलब ए बी इज माई कोऑर्डिनेट गिवन है, 2, 7, -4, -8। ओके, अब मुझे ये पी बताना है जिसे मैं एक्स वन वाई वन कंसिडर कर रहा हूँ, क्योंकि फाइंड करना है, वरना चाहूँ तो हम उसको कुछ और भी बोल सकते हैं। और ये मेरा क्यू एक्स टू वाई टू है, तो मुझे पहले पी निकालना है उसी सेक्शन फार्मूले से जो मैंने आपको बता दिया है ऑलरेडी, और सिमिलरली बाद में आपको क्यू निकालना है उसी सेक्शन फार्मूले से जो मैंने बता दिया है। तो मतलब इस एक क्वेश्चन में दो बार सेक्शन फार्मूला लगना है, बट जो कॉन्सेप्ट है इस क्वेश्चन का, ट्राई सेक्शन का, उसमें है रेशियो फाइंड करना, और रेशियो को ही आपको समझना है। ओके, चलिए, अगर ये ट्राई सेक्शन है, तीन इक्वल पार्ट है, इट मीन्स दैट ए पी इज इक्वल्स टू पी क्यू इज इक्वल्स टू क्यू बी। तीनों इक्वल हैं, क्योंकि तीनों इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड हैं। अब यहाँ ट्राई सेक्शन वर्ड आया है, वरना फोर नेक्स्ट सब में देखिए वहाँ साफ लिखा हुआ है फोर इक्वल पार्ट्स, लास्ट सब में देखिए एक्सरसाइज में लिखा हुआ है फाइव इक्वल पार्ट्स। ओके, चलिए ना, अभी मैं पी के लिए फाइंड कर रहा हूँ, तो माई फर्स्ट पार्ट इज ए पी, माई फर्स्ट पार्ट इज ए पी, एंड माई रिमेनिंग पार्ट इज पी बी। ये बात समझनी है बस, माई फर्स्ट पार्ट इज ए पी, दिस ए पी, एंड अपॉन माई रिमेनिंग पार्ट पी बी। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ, ए पी अपॉन पी बी को लिख सकता हूँ पी क्यू प्लस क्यू बी। अरे भाई पी बी है ना, पी बी को मैं लिख सकता हूँ ना पी क्यू प्लस क्यू बी, ए पी अपॉन पी क्यू क्यू बी भी क्या है ए पी, पी क्यू क्यू बी भी क्या है ए पी। तो अगेन मैं यहाँ लिख सकता हूँ ए पी प्लस ए पी, तो ये क्या आया, ऊपर ए पी अपॉन ए पी ए पी, टू ए पी, कट, रेशियो आएगा 1:2। बस ये 1:2 आपको क्या मिल गया, एम और एन। तो ए बी में आप लगा दीजिए अपना सेक्शन फार्मूला, कैसे आप ऐसे लिखेंगे, पी डिवाइड्स ए बी इन रेशियो 1:2। आप कहेंगे सर इससे पहले किसी समय आपने ऐसी लाइन क्यों नहीं लिखी, एक्चुअली यहाँ पर पी क्यू दो है ना, तो इसलिए मुझे मेंशन करना चाहिए कि पी डिवाइड ए बी इन द रेशियो। व्हाट इज द फॉर्मूला, एक्स इक्वल्स टू, जिसको मैं एक्स वन बोल रहा हूँ यहाँ, तो एक्स भी बोल सकते हैं, एक्स वन भी बोल सकते हैं, योर चॉइस। क्या होता है फॉर्मूला, एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन अपॉन एम प्लस एन। मैंने इसको एक्स वाई कर दिया है पी को, एक्स वन वाई वन, एक्स टू वाई टू मेरा ए बी ही है, और ये नॉर्मल एक्स वाई है। पी के लिए अलग एक्स वाई निकालेंगे, क्यू के लिए अलग एक्स वाई निकालेंगे, ठीक, बस क्या रहा। एंड व्हाट इज माय वाई, साथ के साथ वाई भी साथ के साथ ही लेके चलते हैं, एम वाई टू प्लस एन वाई वन अपॉन एम प्लस एन। सिंपल, जो अब तक किया है वही सेम काम करना है, क्या एम की जगह पर 1 × एक्स टू की जगह पर -4 एक्स टू, ये वाला x2, b का, a b के लिए निकाल रहे हैं ना, तो b का x2 प्लस n 2 × x1 2 अपॉन 2 + 1। तो ये क्या है आपका आंसर, थोड़ा स्पेस प्रॉब्लम हो गई, तो इसको मैं यहाँ सॉल्व कर देता हूँ, उसको फिर नीचे कर दूँगा। ओके, क्योंकि अब इसमें आ नहीं पाएगा स्पेस में, तो ये आएगा आपका -4 + 4/3, +4 - 4 कैंसल, 0/3, 0। तो मेरा x आ गया 0। अब मैं सिमिलरली y निकालूंगा, y इक्वल्स टू क्या है, एम वाई टू, मैं दोबारा लिख रहा हूँ फॉर्मूला, दोबारा लिख देता हूँ, एन वाई वन अपॉन एम प्लस एन। तो वट इज़ माई m, m क्या है मेरा 1, y2 क्या है मेरा ऊपर देख लीजिए -8,
प्लस एन क्या है, टू वाई वन क्या है, सेवन अपॉन टू प्लस वन, तो ये क्या आएगा, माइनस एट प्लस फोर्टीन अपॉन टू, सिक्स अपॉन टू, सेवन टू ज़ा फोर्टीन अपॉन टू नहीं, टू प्लस वन थ्री, दिस इज थ्री, थ्री थ्री वन ज़ा थ्री, थ्री टू ज़ा सिक्स, टू इज़ द आंसर। तो इस तरह से मुझे x भी मिल गया और y इज इक्वल टू टू भी मिल गया, लेकिन ये किसके लिए मिला है अभी, p के लिए। अब मुझे q के लिए फाइंड करना है, तो अगेन चीज़ फॉर्मूला ये सब कैलकुलेशन ऑलमोस्ट सेम होगी, सिर्फ ये वाला रेशियो का कॉन्सेप्ट चेंज हो जाएगा। इस बार क्या है मेरा फॉर्म रिलेशन, q निकालना है, तो ये का ए क्यू अपॉन क्यू भी, मतलब इस बार मेरा होगा ए क्यू वाली साइड, क्यू फाइंड कर रहा हूँ ना, ए क्यू अपॉन क्यू भी, तो व्हाट इज माय ए क्यू, ए पी प्लस पी क्यू, भाई ए क्यू क्या है, ए पी प्लस पी क्यू अपॉन क्यू भी। अब ये सब ए पी के बराबर है या सब क्यू बी के बराबर है, तो सबको क्यू बी लिख दो या सबको ए पी लिख दो, अगेन ए पी भी लिख सकते हैं जी, सबको ए पी लिख सकते हैं, ए पी प्लस ए पी अपॉन ए पी। सर क्यों लिख रहे हैं ए पी ए पी, अरे भाई पी क्यू भी ए पी है और क्यू बी भी ए पी है, तो मैं पी क्यू और क्यू बी की जगह ए पी लिख रहा हूँ, तो ए क्यू अपॉन क्यू बी रिलेशन आ जाएगा मेरा, ए पी ए पी, टू ए पी अपॉन ए पी कैंसल, इस बार रेशो आएगा टू अपॉन वन, मतलब वो आया था वन अपॉन टू, ये आएगा टू अपॉन वन, बाकी सब वही है, पी नहीं इस बार लिखेंगे क्यू डिवाइड, सेम 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 चलता है, ए बी इन रेशियो, कौन सा रेशियो, टू इज टू वन, ठीक। फिर वही फार्मूला, एक्स का फार्मूला एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन अपॉन एम प्लस एन, वाई का फार्मूला अगेन वही एम वाई टू प्लस एन वाई वन अपॉन एम प्लस एन, फिर वही वैल्यूज पुट करो, बट इस बार m की जगह 2 आएगा, 2 इंटू माइनस फोर प्लस वन इंटू टू, ओके माइनस फोर इज वॉट माई एक्स टू है, माइनस टू मेरा एक्स टू है, ओके। नाउ m प्लस एन, वही m प्लस एन आपका होगा 2 प्लस वन कॉमा, थोड़ा छोटा दिख रहा है, दिख रहा है, नो प्रॉब्लम। व्हाट इज़ माय एम, टू, व्हाट इज़ माय वाई टू, माइनस एट प्लस एन वन इंटू सेवन, अगेन टू प्लस वन, सॉल्व इट, माइनस एट प्लस टू अपॉन थ्री, एट टू ज़ा सिक्सटीन, माइनस सिक्सटीन प्लस सेवन अपॉन थ्री, एट में से टू गया सिक्स, ग्रेटर नंबर साइन अपॉन थ्री, तो ये आंसर आया माइनस टू, और ये आएगा आपका माइनस नाइन अपॉन थ्री कैंसल, तो ये आएगा कॉमा माइनस थ्री, दिस इज़ योर फाइनल आंसर। ये क्यू का कोऑर्डिनेट आया आंसर और ये पी का कोऑर्डिनेट आया, ओके थैंक यू।